गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हम बात करेंगे आज लाइकन डिसऑर्डर्स के बारे में। लाइकन डिसऑर्डर में काफ़ी डिजीजेज हैं, लाइकन ब्लाइंडनेस, लाइकन सिम्प्लेक्स, PLC और काफ़ी ऐसे डिजीज हैं जो लाइकन ग्रुप में आते हैं। ये लाइकन डिसऑर्डर्स एक्जिमा से डिफ्रेंशिएट कैसे, अलग क्यों? कई लोग लाइकन डिसऑर्डर्स को एक्जिमा समझते हैं, मैं आपको बताता हूँ उनमें डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं। एक्जिमा जो होता है वो एलर्जी के कारण होता है कि बॉडी में एलर्जेंस बने। मैंने वो पिछले एपिसोड में आपको एलर्जी के बारे में बताया था और एक्जिमा के बारे में बताया था। तो एक्जिमा बनता है एलर्जी के कीटाणुओं से, एलर्जी के जो फैक्टर्स हैं वो एक जगह डिपॉजिट हो जाए तो एक्जिमा होता है। लाइकन डिसऑर्डर जो बनते हैं वो इम्यून सिस्टम की खराबी के कारण होते हैं। आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम डिजीज सेल पैदा करता है, वो डिजीज सेल ब्लड में गए, प्लाज्मा के थ्रू ब्लड में गए, सर्कुलेशन में आए और उसमें स्किन में जाकर वो डिजीज पैदा करती है। लाइकन प्लैनस एक डिजीज है जिसमें वॉयलेट कलर के, बैंगनी कलर के आपको स्किन के लीजन्स मिलेंगे। इसकी टिपिकल पहचान यही है। तो जैसे ये टॉक्सिन्स बने वो स्किन में जाके डिपॉजिट हुए, डिपॉजिट होके वहां ग्रो किए और इन्होंने लाइकन डिजीज कर दिया। तो आपके इम्यून सिस्टम ने जो डिजीज सेल बनाए वो प्लाज्मा और ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू आपकी स्किन में डिपॉजिट हुए और उन्हें लीजन्स बनाने शुरू कर दिए। और बॉडी में ऐसे सिस्टम जब पैदा हो जाता है तो बार बार वही सेल बनते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि डिजीज सेल ने डिजीज सेल ही बनाना है, तो इम्यूनिटी वैसे ही डिजीज सेल बनाती जाएगी और लाइकन प्लैनस लाइकन डिजीजेस बढ़ते जाएंगे। जब तक हम उस सेल्स को बनना रोकते नहीं तब तक ये डिजीज बिल्कुल ठीक नहीं हो सकती। हमारे पास जो लाइकन डिजीजेस के, लाइकन डिसऑर्डर के जो केसेस आते हैं उनमें लाइकन प्लैनस है जिसमें पूरी बॉडी में या किसी पर्टिकुलर एरिया में कुछ लीजन्स हो जाते हैं वॉयलेट कलर के। ओरल लाइकन प्लैनस है जिसको आमतौर से पहले लोग मुंह के छाले ही समझते हैं, पर जब वो ठीक नहीं होते तो वो ढूंढते हैं कि क्या कारण है। तो लाइकन प्लैनस और पेम्फिकस एक डिजीज है, दोनों में से डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है कि पेम्फिकस है या लाइकन प्लैनस है। उसके बाद LPP लाइकन प्लैनस पिगमेंटोसिस है जिसमें शरीर का रंग काला पड़ना शुरू हो जाता है, ये भी एक डिजीज है। लाइकन सिम्प्लेक्स क्रॉनिकस, ये पर्टिकुलरली लेग्स पर हमने देखा है, लेग्स और एल्बोस में ये मोस्ट कॉमनली होता है। वहां पर इसके सेल मोटे होने शुरू हो जाते हैं और चमड़ी मोटी होनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा भी लाइकन डिसऑर्डर्स में काफी डिजीजेस आते हैं और वैरायटी ऑफ केसेस में हमें उनका प्रॉपर डायग्नोसिस बनाना पड़ता है कि आपकी ये डिजीज लाइकन डिसऑर्डर हुआ क्यों, उसके कारण को जान के फिर हम इसके ट्रीटमेंट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, इलाज क्या है? सबसे पहले तो ये डायग्नोसिस बनाना पड़ता है आपकी स्किन का एनालिसिस करके, आपकी बॉडी का एनालिसिस करके और कंप्लीट हिस्ट्री से हमें ये पता लग जाता है कि आपके ये डिजीज क्यों हुआ, क्या फैक्टर थे जिसने इम्यून सिस्टम को खराब करना शुरू कर दिया और आपको लाइकन का डिसऑर्डर शुरू हो गया। सबसे पहले वो डिजीज कॉजिंग फैक्टर्स, उनको हमने बनने से रोकना है। जो आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स या डिजीज सेल बन रहे हैं उनको बनने से रोकना है। उसके बाद जो सेल्स बने हुए हैं बॉडी में डिजीज सेल, उनको बाहर निकालते हैं थ्रू मेडिसिन और थ्रू पंचकर्मा। उसके बाद बॉडी को नरिश करते हैं, आपकी बॉडी को जो डैमेज है उसकी रिपेयर करते हैं और सर्कुलेशन को इम्प्रूव करते हैं, लिवर को इम्प्रूव करते हैं ताकि वो डिटॉक्स कर सके, ब्लड को प्योरीफाई कर सके, स्किन को नरिशमेंट की चीज़ें देते हैं। ये सारे फैक्टर्स हर एक पेशेंट में अलग अलग ढंग से किए जाते हैं और हर एक लाइकन प्लैनस या लाइकन डिसऑर्डर्स का जो पेशेंट है उसकी जो ट्रीटमेंट है वो डिफरेंट होती है उसके बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। पर ये डिजीज ठीक हो सकता है अगर उसकी इम्यूनिटी को हम प्रॉपरली एनहेंस करें, बॉडी को डिटॉक्स करें और स्किन को नरिश करें।